हर हर शंभो, हर हर महादेव। ये साधु बाबा यहाँ के, ये देहरादून के प्रसिद्ध श्री श्री। अगले महीने दोबारा आएंगे। आउट 100 रुपये। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ धाम। कल जैसा कि आप लोगों ने देखा लास्ट व्लॉग में हम लोग पहुंच गए थे। काफ़ी टफ चढ़ाई है यहाँ की, पर फिर भी हमने सक्सेसफुली इसको कवर करा। शॉर्टकट वगैरह एक दो जगह मारे, पर वो शॉर्टकट भी बड़े दुखदाई होते हैं ना। सो कल हम लोगों ने दर्शन वगैरह करे और आज सुबह वापस जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये देखो यहाँ पे पहुँचू में संध्या रेडी हो गए, लेकिन पहनना पड़ रहा है इनको। तो कल शाम तक तो भैया मौसम पूरा खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही हम लोग आए यहाँ पे उसके बाद से जो बारिश स्टार्ट हुई है, तो बारिश कंटिन्यूसली रात भर से होती ही जा रही है। अब वापस जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। हमने सोचा यार सुबह है तो सुबह के भी दर्शन तो करने बनते हैं ना। और भाई पीछे से हिमालय क्या दिख रहा था यार। अभी मैं आया सिर्फ कैमरा लेने गया, वो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर पूरा हिमालय दिख रहा था, हिमालयन रेंज दिख रही थी। जितनी देर में मैं कैमरा लेके वापस आया पूरा फॉग आ गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए, पर उससे पहले बड़ों को नमस्ते, छोटों की सी और साथ वालों को टाइट वाली झप्पी। तो जी आज का प्रोग्राम ये है, बाबा के दर्शन करेंगे, शंकराचार्य जी की मूर्ति देखेंगे और उसके बाद हम लोग वापस नीचे उतरेंगे। अब नीचे उतरने का सीन ये है कि भाई बारिश भयंकर हो रही है, तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो भी खच्चर चलते हैं, घोड़े चलते हैं, उनकी पॉटी प्लस कीचड़, सो उससे पूरा स्लिपरी उठ जाता है जो भी रास्ता है। पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बाबा हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या बात है। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। सुबह पहुंच चुके हैं फिर से एक बार मंदिर, और ये देखेंगे आप वहाँ बैठे हैं मेरे महादेव। और ऊपर देख रहे हो आप कितनी बर्फ़ गिरी हुई है। सो बस लाइन बहुत कल के जैसे आज भी लाइन लगी हुई है, ये देखो आप। तो बस फटाफट हम भी लाइन में लगते हैं। सुबह लग गए लाइन में, और भाई फिलहाल नंगे पैर, तो ठंड भयंकर लग रही है। और ऊपर जो है, ऊपर बर्फ़ पड़ी है अभी अभी। मौसम बहुत ज़्यादा ही एकदम फ्रीजिंग हो रहा है, फ्रीजिंग। ये भाई अपने ब्लॉगिंग में लगे हुए हैं, ये भाई अपने इंस्टाग्राम लाइव पे लगे हुए हैं। दर्शन बहुत काफ़ी अच्छे से हुए हमारे। और मैं तो कहूँगा आपसे कि आप सुबह सुबह के टाइम पे आइए, यहाँ पे सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो आपके दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। कल रात काफ़ी हमको लंबी भीड़ में लगना पड़ा था। और अंदर से जो आपको पानी के लिए प्रसाद के साथ में बॉटल लेंगे, वो वहाँ यहाँ से आपको वो पानी भरना है। ये जो कुंड है यहाँ पर, इस कुंड में से आपको पानी भरना है। सो अब जा रहे हैं हम भीमशिला के दर्शन करने के लिए। बाबा के दर्शन हमने कर लिए, बहुत अच्छा है। तो भाई पहुंच चुके हैं भीमशिला, और ये है वो भीमशिला ठीक मंदिर के पीछे, जिसने कि 2013 की त्रासदी आपदा में मंदिर की पूरी रक्षा की थी, पूरी सुरक्षा की थी। और ये जो चट्टान का इतना बड़ा टुकड़ा देख रहे हैं आप, ये बह के वहाँ ऊपर से ही आया। सो हम भी दर्शन करते हैं, और आप भी इस वीडियो के थ्रू अपना मत्था टेक लीजिएगा। सो भाई दर्शन हो गए हम सबके, और कैसा रहा रोहित? बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार सब अपना अपना, तो सबके हम लोग एक एक क्विक बाइट्स लेते हैं सबके। कैसा रहा अमन? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मज़े आ गए। 1 लाख कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत 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 बढ़िया, ओवरवेल, शांति मिली। कैसा रहा? मस्त। मेरा तो 2 बार दर्शन करे मैंने। इनका ना ना इनका एक शूट लो रोने वाला। हाँ बाबा कैसा रहा दर्शन करके? बहुत अच्छा, भोले बाबा के दरबार आके दिल खुश हो गया। हालांकि थोड़ा पैरों में दर्द है, पर मन बहुत खुश है। कैसा रहा भैया आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया, सही मज़ा आ गया। आएंगे अगले महीने, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे। तो भाई अब हम आपको मिलाते हैं साधु बाबा से। इसको ओढ़ लेते ना पूरा, तो फील आ जाता है। ये बढ़िया। तो ये साधु बाबा है यहाँ के, ये देहरादून के प्रसिद्ध श्री श्री 420 9211 साधु बाबा है। बाबा बूटी वाले। जो किसी को जाना हो, बूटी बूटी बबूती चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाउस 100 रुपये। दर्शन वगैरह सब कर लिए, रूम से चेकआउट कर दिया और अब हम जा रहे हैं श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति के दर्शन के लिए। अगर आप आएंगे तो मंदिर के ठीक पीछे इससे ही रास्ता जाता है, ये वाला रास्ता जा रहा है जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर ये रास्ता जाता है शंकराचार्य जी की मूर्ति तक। मौसम बिगड़ गया है, बारिश काफ़ी हो रही है, कल रात से ही हो रही है। और इसके अलावा दर्शन तो हमारे अच्छे रहे, अब हम नीचे के लिए उतर रहे हैं। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए थे, जो दिखाए थे घोड़ा, पालकी, पिट्ठू, उसके अलावा यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सेवा भी है जिसका हमने फ़िलहाल रेट पता किया तो 2500 रुपये आ रहा है। वो अप एंड डाउन हो सकता है तो उसके लिए ये मत सोच के चलिएगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 2500 रुपये ही है। वो डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न और उस टाइप की कंडीशन क्या है। सो यहाँ पर एक और जगह है जहाँ आप विज़िट कर सकते हैं, जो कि है वहाँ ऊपर, जो आप देख लेंगे वहाँ ऊपर, तो वो भैरवनाथ जी का टेम्पल है। हम लोग वहाँ जाने वाले थे पर मौसम बिगड़ गया, इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। क्योंकि सुनने में आया है कि शायद जो केदारनाथ का रास्ता है वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है। वो तो नीचे ही उतर के पता चलेगा हमें एग्जैक्टली कि क्या है, न्यूज़ फेक है या सच है। हम चल रहे थे ना तो एनी बड़ी आस भरी निगाहों से हेलीकॉप्टर की तरफ देख रही थी अभी उसने वो पीछे कर लिया, फिर उसने मुझे देखा, फिर ऋषभ को देखा, तो हम दोनों ने कह दिया कि होते तो हम खुद ही चले जाते वर्थ है, 6 मिनट की राइड होती है। आप लोग आ जा सकते हो, जो ओल्ड एज पीपल है या जिनको कुछ प्रॉब्लम है हार्ट वगैरह रिलेटेड, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। उतरते उतरते हम लोग यहाँ पे हमें रुद्राक्ष वाले मिले और ये जो है हम रुद्राक्ष ले रहे हैं यहाँ से, ये पंचमुखी रुद्राक्ष हमें मिला है। तो 100 रुपये के 5 दे रहे हैं। हर महादेव बाबा। सो भाई ऐसा है ना कि चढ़ने में तो लगता है दम, उतरने में भी थोड़ा बहुत निकल ही जाता है क्योंकि रास्ता लंबा है। अगर आपका चढ़ाई होती है तो उतार में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। पहुंच चुके हैं रामवाड़ा और मैं, संध्या, दीक्षा, एनी और शोभित फिलहाल यहाँ बैठे हैं। अभी यहाँ घुटन पे गर्मी लग रही है, स्प्रे किया जा रहा है घुटनों पे और कटोरियों का, ये कटोरियाँ हैं ना, इनका सूप बना के पियेंगे। तो भाई ये देखो, जैसे कल शाम को बादल आए थे ना वैसे ही फिर से बादल ऊपर की तरफ चल रहे हैं और बादलों के बीच में से होते हुए जा रहे हैं। उतर के आ गए हैं नीचे हम लोग टैक्सी स्टैंड गौरीकुंड पर और शानदार रहा ट्रैक हमारा, बहुत मज़े आए। लड़कियों ने तो कमाल कर दिया भाई, लड़कियों ने तो कमाल कर दिया, सबकी सब एकदम मस्त तरीके से नीचे उतरी है। कैसा रहा भाई? बहुत बढ़िया लगा, नीचे उतरते हुए बहुत मज़ा आया हमें। पता ही आप सबको, घोड़े से भी तेज चल रहे थे। लोगों से पूछो मेरे बारे में, आप लोग बताओ मेरे बारे में, बताओ मेरे बारे में लोगों, मैं घोड़े से। जय भोलेनाथ, हर हर शंभो। अंधेरे के बाद हमने जो ट्रैक किया है हमारी लाइफ में, ऐसा एक्सपीरियंस सच में कभी नहीं आएगा। अगर कोई आपको बोलता है ना कि केदारनाथ का चढ़ने का ट्रैक मुश्किल है और उतरने का डिफिकल्ट है, ये उतरने का इजी है, तो उसको बोलना जय भोले और आके चल के देखे। तो अब सीन ऐसा है कि यहाँ पे होटल्स वगैरह मिल नहीं रहे थे क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था और रेड अलर्ट भी है यहाँ पे कल के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं अभी गुप्तकाशी। गुप्तकाशी कितना दूर है यहाँ से? 5-6 किलोमीटर। वो तो वो है हमारा पार्किंग एरिया। तो गुप्तकाशी जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे क्योंकि थक बहुत गए हैं। अभी यहाँ से पार्किंग एरिया जाना है जो कि 6 किलोमीटर दूर है और वहाँ से अपनी बाइक्स और कार उठा के जाना है गुप्तकाशी। तो भाई फिलहाल हम हैं बरासू पे और ये सामने लैंडस्लाइड हुआ है और जिसकी वजह से हम लोग आगे जा नहीं पा रहे, तो हमें वापस पीछे मुड़ के पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि लंबा चौड़ा लैंडस्लाइड लग रहा है यहाँ पे। और देखोगे वो जो आपको वहाँ लाइट दिख रही है वहाँ तक का ये पूरा लैंडस्लाइड है।